أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। उम्मीद है अल्लाह के रहमो करम से आप लोग फिट फाट होंगे। इस चूज़े को देखो, दौड़ के गया है खाने के लिए यार। फिरोज साहब ने खोल दिए हैं मुर्गे, दाने डाल लें, इनको दाने डालते हैं सबको इकट्ठा करके। उसके बाद खोलेंगे कबूतर, अभी फ़िलहाल दाने डालते हैं उनको, मुर्गों को। मैं क्या सोच रहा था कि यार आज मुर्गों का काम ना पहले ख़त्म कर लिया जाए, तो इसलिए जो है ना पहले ख़त्म करके फिर कबूतर खोलेंगे। सारे मुर्गों को दाने पानी कर लें, ये कबूतरों को बड़ा तंग करते हैं, फिर इनको बंद कर देंगे। तो सब इकट्ठे कर दिए, आज सारे इकट्ठे ही खोलें, कुछ एक दो तीन रह गए हैं पीछे जो है ना नहीं खोले, बाकी खोल दिए हैं। तो ये सारे दाने शाने खा लें, फिर इसके बाद खोलेंगे जी हम कबूतर, वो आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो मुर्गे चेक करें आप, ये चूज़ों वाली मुर्गी है, इसके चूज़े छोटे छोटे रह गए। बाकी ये मोल चेक करो ज़रा, इनकी वर्जिश हो रही है, आपस में लगे हुए हैं लड़ने में झगड़ने में। और माशाल्लाह से जो है ना ये आ रहे थे बाहर खुल के, तो मुर्गों की वजह से रुक गए थे। तो मैंने कहा यार आपको दिखा दूँ, इधर ही बैठ गए। अब हैदर को मैंने बोला कि हैदर इनको ज़रा आस्ता आस्ता करके ना आगे ले जा, इनको दाने शाने डालें। तो ये आस्ता आस्ता करके ना लेके जा रहा है इधर इनको आगे। तो हम इनको डालेंगे दाना और पानी डालेंगे और छोड़ देंगे खुला, ये चेक करें। आस्ता आस्ता हम इन्हें लेके जा रहे हैं उधर। दोस्तों माहौल बनने वाला है फुल मस्ती का, मुझे नज़र आ रहा है पानी, और ये जाते ही पानी से नहाना शुरू कर देंगे, मुझे आइडिया है। और आप लोग भी देख लेना वीडियो में कि ये जाते ही नहाना शुरू कर देंगे, मुझे आइडिया है, क्योंकि आज मौसम सही है ना, तो ये एंजॉय ज़रूर करेंगे। आपको भी दिखाते हैं कि नहाते हैं या नहीं नहाते हैं। तो ये अभी लग गए हैं इधर, इनको इस चक्कर में आगे चले गए हैं, तो देखते हैं कि हमारे कबूतर आज नहाते हैं या नहीं नहाते हैं। पानी देखा है तो आस्ता आस्ता इनका मूड बन रहा है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मेरे कबूतर आज नहाना शुरू कर देंगे भाई साहब, तो ये लग गए अपनी अपनी मस्ती में मौज में, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और सारे नहाएंगे आज इंशाल्लाह। मुझे मैंने जब पानी देखा था ना, मुझे इसी वक्त शक हो गया था कि ये नहाएंगे सारे। ये खुशी चेक करो, ये खुशी मैं देखना चाहता हूँ बर्ड्स में, कि बर्ड्स मेरे हैप्पी रहें, खुश रहें, ऐसे ही मस्तियों में रहें। तो बाकी मैं किसी भी बर्ड्स को कैद करने के जो है ना उसमें नहीं हूँ कि यार किसी बर्ड्स को ला के कैद किया जाए। मैं चाहता हूँ कि यार हर बर्ड की जो है ना उसको उसकी खुशी के मुताबिक रखा जाए। और ये सारे नहा रहे हैं, इधर से भी चेक करो। मैं कहता हूँ यार मेरे बर्ड सारे खुश रहे हैं, दुआ किया करें कि यार मेरे बर्ड्स बहुत मरते हैं, पता नहीं क्यों मरते हैं, तो दुआ किया करें यार मेरा बर्ड्स मरे ना, बड़ा दुख होता है। तो ये सारे दाने में लग गए, फूल बना के खा रहे हैं, खाना जाना ये खा लें। तो फिर इनकी करनी है मैंने टेल ट्रिम, ब्रीडिंग के लिए ये मैं टेल ट्रिम कर दूंगा, पोमोज ट्रिम कर दूंगा, और पीछे वेंट से जो है ना इसको साफ़ कर दूंगा ताकि ब्रीडिंग में आसानी हो। इसने 3-4 बार एग्स दिए हैं और अनफर्टाइल दिए हैं तीनों ने, इसलिए मैंने बड़े दिनों से सोच रखा होता कि इनके मैं पोमोज और टेल और वेंट साफ़ कर दूँगा ताकि इन्हें ब्रीडिंग में आसानी हो मेटिंग में ना। तो जो बर्ड अगर आपके अमेरिकन में अनफर्टाइलिटी आ रही है तो टेल ट्रिम कर दें, पीछे से वेंट साफ़ कर दें और पोमोज साफ़ कर दें, तो इंशाल्लाह अनफर्टाइलिटी का ख़त्म हो जाएगी अगर कोई बीमारी ना हुई तो बर्ड में। इन चीज़ों की वीडियो बनाने का मकसद ये होता है मेरे भाई के बंदा सीख जाए, जो नए उनको पेट्स पालने में आसानी हो जाए, बर्ड पालने में आसानी हो जाए। तो इसलिए जो है ना जो नहीं रखते हैं ना तो उनको गाइडलाइन मिल जाती है। तो अमेरिकन में हमेशा अनफर्टिलिटी आती है इन दो तीन वजह से, टेल की वजह से और वेंट की वजह से। और दूसरी बात यह इनके पोमोज भी होते हैं जो
इनकी अनफर्टिलिटी का सबब बनते हैं। बाकी बड़े बड़े ब्रीडर बैठे हुए हैं, यूट्यूब भरा हुआ है, आप लोग देख लिया करें। अमेरिकन की वेंट को कुछ इस तरह साफ किया जाता है, पीछे जो इनकी वेंट पे बाल होते हैं बिल्कुल रुई की तरह होते हैं और बिल्कुल डंपी होती है वेंट ना, तो इसको इस तरह साफ करना चाहिए यार। यार आज मामू की बकरी ने दिया है बच्चा, ये चेक करो छोटा सा प्यारा सा। मम्मा इसकी इधर बैठी हुई है पीछे, और पर सबसे पहले इसकी मैं बहन से आपको मिलाता हूँ। इसकी बहन किधर है? ये इसकी बहन है, ये चेक करें, वाइट वाली इसकी बहन है और मम्मा इसकी इधर पीछे बैठी है, ये ब्लैक वाली इसकी मम्मा है। और जो इसका फादर है वो मेरा बकरा है, वो आप लोगों को मैंने चेक करवाया हुआ है। और ये बच्चा चेक करो माशाल्लाह कितना क्यूट बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। और इससे जो है ना इसकी यार ये माँ की तरह एक भी नहीं है। ये बकरी जो वाइट वाली है ये भी माँ की तरह नहीं है, और ये जो बेबी अब हुआ है ये भी माँ की तरह नहीं है। तो दोस्तों नीचे उतरते ही हैदर साहब को आ गया पंगा गंदे अंडे फोड़ने का, कि अंडे चेक करते हैं गंदे, तो ये चेक करें फोड़ दिए इन्होंने। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह।